नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, शिक्षक भर्ती की कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है सबसे पहले दोस्तों आप सभी को ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। अब ऐसे में दोस्तों पीएनबी सचिव की तरफ से एक बड़ा बयान देखने के लिए मिल रहा है। यूपीटीईटी 2020 दोस्तों जो आवेदन है कब से शुरू होने वाले हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जब मामला चल रहा है वहाँ पर दोस्तों जानकारी दी गई कि 51,000 के आसपास असिस्टेंट टीचर के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, इन पर दोस्तों भर्ती कब तक आएगी। अगर बात करें 4,300 जूनियर शिक्षक भर्ती दोस्तों कब आएगी, टेट से पहले आने वाली या टेट के बाद आएगी, तो अभ्यर्थी दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी यहां देखने के लिए मिल रही है। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। ज्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल साथ में वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बेसिक विद्यालयों के अंदर हजारों की संख्या के अंदर जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों भर्ती नहीं निकल पाई है। क्यों नहीं निकल पाई है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों जब से निकली है तब से पूरी नहीं हो पाई, और जब तक पूरी नहीं होगी तब तक दोस्तों कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। लेकिन फिलहाल जैसा कि आपको पता है, जब जब दोस्तों अंतिम चरण के अंदर जाती है तभी मामला जाकर के दोस्तों कोर्ट के अंदर अटक जाता है। अब ऐसे में दोस्तों आगे आने वाले समय के अंदर जूनियर की वैकेंसी के दोस्तों अध्याचन लिए जा रहे हैं, कब तक आएगी, टीईटी के बाद में आएगी, या फिर 50,000 जो प्राइमरी वैकेंसी आने वाली है वो कब तक देखने के लिए मिलेगी। पदों की संख्या ऊपर नीचे भी रह सकती है, इसको लेकर भी बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा कि ऐसे में दोस्तों संभावना बनेगी कि यूपीटीईटी आपको पहले करा लिया जाएगा, चाहे वो जूनियर शिक्षक भर्ती हो या फिर 250,000 वैकेंसी हो, ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिली है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। उसके बाद हम दोनों वैकेंसी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों बड़ी अच्छी खबर देखने को मिली, यहाँ पे दोस्तों आप देखें डीएलएड प्रवेश परीक्षा की बात करें अगस्त में होने की संभावना, ऐसी जानकारी दोस्तों यहाँ से दी गई सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की तरफ से। लॉकडाउन की वजह से टीईटी 2020 और साथ में अगर बात करें डीएलएड दोस्तों टलती जा रही है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव विश्वविद्यालय खुल नहीं रहे, ऐसे में जैसा कि आपको बताया जिससे कि छात्र छात्राओं आकर दोस्तों प्रवेश ले लिया जाए, पास हो चुके वह दूसरे संस्थान में प्रवेश ले सकें, क्योंकि आपको पता है विश्वविद्यालय बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में टीईटी 2020 की परीक्षा और साथ में अगर बात करें डीएलएड 2020 की दोस्तों प्रवेश परीक्षा जो होगी वो 15 अगस्त के बाद शुरू होने की प्रबल संभावना है। तो जैसा कि दोस्तों यहां पर देखने को मिला है परीक्षा नियामक अधिकारी की तरफ से बताया जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद में यूपीटीईटी और साथ में अगर बात करें डीएलएड 200 परीक्षाएं आपको देखने के लिए मिलेगी, प्रवेश परीक्षा जो कि 15 अगस्त के बाद होने वाली है। तो ऐसे में जो आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भर्ती आने वाली है, चाहे वो जूनियर की हो या फिर दोस्तों प्राइमरी की हो, कब तक आ सकती है इसको लेकर हम बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर की वैकेंसी के अंदर लगभग 4,300 पद दोस्तों बताए जा रहे थे अध्याचन के अनुसार, लेकिन उसके बाद में दोस्तों नए अध्याचन लिए जा रहे हैं, बाद में दोस्तों पदों की संख्या घट बढ़ सकती है, ज्यादा भी देखने के लिए मिल सकते हैं। अब लगातार अभ्यर्थी ये पूछा करते थे सर आने वाले समय के अंदर वैकेंसी कब होगी, क्या यूपीटीईटी पहले होगा कि बाद में होगा, लेकिन यहाँ पर जो कार्यक्रम दिखाया जा रहा है जिस तरीके से बताया जा रहा है, अगर दोस्तों अगस्त के अंदर आपका यूपीटीईटी होता है या फिर दोस्तों सितंबर के फर्स्ट वीक के अंदर यूपीटीईटी शुरू होता है तो उससे पहले कोई भी वैकेंसी देखने के लिए नहीं मिलेगी, चाहे वो जूनियर की वैकेंसी हो या फिर दोस्तों प्राइमरी की वैकेंसी हो। तो ऐसे में जूनियर की शिक्षक भर्ती मान के चलिए कि टीईटी के बाद ही होगी। अगर टीईटी दोस्तों आगे बढ़ता अक्टूबर तक जाता है तो मान लीजिए दोस्तों जो आपकी वैकेंसी हो अगस्त सितंबर के अंदर आने की संभावना है, लेकिन जो जानकारी दी जा रही है वो यहां पर यह दी जा रही है कि अगस्त महीने में दोस्तों टीईटी के जो आवेदन है वो शुरू हो जाएंगे या फिर जो प्रवेश परीक्षा होगी दोस्तों देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों माना जाए कि सितंबर के अंदर दोस्तों यहां परीक्षा अगर होती है तो मान के चलिए कि जो आपकी जूनियर की वैकेंसी आने वाली है वो दोस्तों आने वाले समय में यूपीटीईटी के बाद ही देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर दोस्तों अपर वाला 6-8 वाला टीईटी आपके पास होना चाहिए। वहीं जब बात आती है दोस्तों प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में कि अगली भर्ती कब तक देखने के लिए मिलेगी, तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बता दिया था प्राइमरी की जो भी वैकेंसी आएगी वो हमेशा यूपीटीईटी के बाद ही देखने के लिए मिलेगी। अब यूपीटीईटी दोस्तों अगस्त के अंदर होता है या सितंबर के अंदर होता है तो मान के चलिए जो अगली वैकेंसी होगी दोस्तों 50,000 के आसपास, जो मैं आपको बता रहा हूँ पदों की संख्या काफ़ी नीचे और काफ़ी ऊपर भी हो सकती है इसको लेकर बताऊँगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप मान लीजिए कि 2 महीने के बाद में आपको वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो कि दोस्तों यूपीटीईटी के बाद में आ जाएगी। अगर सितंबर में होता है तो नवंबर अक्टूबर के आसपास दोस्तों आपके सामने प्राइमरी के अंदर नई शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी, जो कि दोस्तों एक अच्छी खबर हो सकती है, जो कि ऐसा देखने के लिए मिल भी रहा है। जैसा कि आपको बताया कि आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव, अब सबसे बड़ा सवाल देखने मिलता है कि प्राइमरी की जो वैकेंसी हो क्या 50,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि दोस्तों आप सभी को बताया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार की तरफ से डाटा दिया है कि प्रदेश के अंदर अगर बात करें प्राइमरी स्कूलों में 51,112 पद खाली हैं, अगर दोस्तों इसमें से कुछ ऊपर नीचे होते हैं 10,000 कम मान के चलिए, अगर 20,000 भी कम मान लीजिए, 30,000
पे भी दोस्तों वैकेंसी देखने के लिए मिलती है, तो बड़ा बेनिफिट आने वाले समय के अंदर देखने के लिए मिलेगा। जो कि दोस्तों आपको पता है कि 17 वाले अभ्यर्थी 17 बैच वाले 16 बैच वालों की दोस्तों बड़ी खबर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसा दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है। बाकी जैसा कि आपको पता है कि 51,000 पद खाली है, उसमें से 50,000 वैकेंसी भी देखने के लिए मिल सकती है। अगली वैकेंसी दोस्तों कब आएगी, मान के चलिए अगर UPTET सितंबर के अंदर हो जाता है तो नवंबर अक्टूबर में दोस्तों आपके सामने नई वैकेंसी आ जाएगी। जैसे UPTET आगे बढ़ेगा वैसे वैसे दोस्तों जो वैकेंसी वो भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी वैकेंसी देखने मिलेगी दोस्तों वो आएगी नए शिक्षा आयोग से। नए शिक्षा आयोग का उम्मीद है दोस्तों अगस्त के बाद तक गठन बड़ी आसानी से यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद में दोनों वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो पहले UPTET होता है दोस्तों, दोनों भर्ती का रास्ता बड़ी आसानी से यहाँ पर साफ हो जाएगा। बाकी दोस्तों अगर आप चाहें तो प्राइमरी वैकेंसी के बारे में मैं अलग से सेपरेट वीडियो दोस्तों आप सभी के लिए बना दूंगा। 4,300 जूनियर वैकेंसी के बारे में कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप लोग दोस्तों 50,000 की तैयारी करना चाहते हो तो आप सभी को बताइए, 69,000 की तैयारी दोस्तों आप सभी कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसके बारे में जो भी जानकारी दोस्तों लगभग आप समझ सकते हैं। इसी आधार पर अगली प्राइमरी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलेगी। मुझे उम्मीद आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते हैं। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टाटा बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।